हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज ने छेड़ी है मुहिम, बंद है तो बढ़िया है, इसमें आप भी शामिल होइए, इसका हिस्सा बनिए और लॉकडाउन का समर्थन कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में एक साथ कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। 5 मामले रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से उसी महिला के घर से सामने आए हैं जो 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 4 मामले बोकारो से सामने आए, 4 मामले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मरीज के परिवार से ही है ये भी 4 मामले। हिंदपीढ़ी इलाके से झारखंड का पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था। मलेशियाई मूल की रहने वाली महिला दिल्ली से तबलीगी जमात से शामिल होकर वापस लौटी थी। पहला केस मिलने के कुछ ही दिनों बाद एक और केस हिंदपीढ़ी इलाके में ही सामने आ गया था, जिसमें 54 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब इसी परिवार के 5 और सदस्यों का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया। नए मामलों को मिलाकर झारखंड में अब तक कुल 13 मामले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। संक्रमण के 4 नए मामले आ गए हैं और जो टोटल आंकड़ा हो गया है झारखंड में वो 13 का हो गया है, यानी कि 13 पॉजिटिव मरीज अब झारखंड में सामने आ चुके हैं। तो झारखंड में संक्रमण के 9 केस सामने आए, यानी कुल मिलाकर अब 13 मामले यहां पर हो चुके हैं। 5 मामले रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से सामने आए हैं, एक ही परिवार के ये मरीज बताए जा रहे हैं। संक्रमण के 4 मामले बोकारो से भी सामने आए हैं। देखिए, कुल मिला के 9 मामलों ने झारखंड का ग्राफ अचानक से कोरोना संक्रमण मरीजों की तादाद में ऊपर ला दिया है और ये खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी झारखंड से ही जुड़ी हुई है। 9 नए मामले झारखंड के लिए चिंता का विषय। झारखंड के सीएम कह चुके हैं कि उनके पास स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चीजों की कमी है, जिसमें प्रमुख रूप से वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क, थर्मल डिटेक्टर शामिल है। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उससे सरकार को और भी सतर्क होने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। सर, बड़ा सवाल यह है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये लॉकडाउन बढ़ाने की अपील कर दी है। कई राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन जिस तरीके के कोरोना की सिचुएशन है वो 14 अप्रैल से बढ़ाई जाए और दिनों की मियाद रखी जाए। कई राज्यों में मुख्यमंत्री खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपील कर चुके हैं। आपके राज्य में जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है या आप कोई ऐसे अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें कोरोना के जो मरीज हैं हमें बहुत विलंब से मिले हैं, और ये भी आपको पता है ये आपदा है। ये आपदा कल क्या रूप ले लेगा, कितना विकराल हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। समय अनुरूप ही हम ये निर्णय ले पाएंगे कि लॉकडाउन खोला जाएगा या अभी कंटिन्यू रहेगा। और सवाल है सर कि देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पूरे देश में बैठक की, उसमें 2 बार आप भी शामिल हुए लेकिन आपके साथ दोनों बार संवाद स्थापित नहीं हो पाया, कोई कारण है खास या उस बात का कोई मलाल है आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चाएं की है इस महामारी को लेकर के, इस आपदा को लेकर। कई राज्यों को बोलने का मौका भी मिला, कई राज्यों को 2 बार बोलने का मौका मिला, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं मिला। हमें भी अपनी बात रखने की इच्छा थी, क्योंकि हम कुछ चीज़ें हैं जो हम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आज और सब राज्यों के अपेक्षा हमारे राज्य की हर चीज एक अलग हालात में है। एक आखिरी सवाल यह है सर कि पहली बात तो आपने केंद्र सरकार से कौन कौन सी एसेंशियल चीजें मांगी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो। दूसरी, उसमें मुहैया कितनी हुई आपको, आपको मिल कितनी पाई अभी? देखिए, स्पष्ट आंकड़ा कागज के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जो मुझे मोटे मोटे तौर पर याद है मैं वही आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने वेंटिलेटर की मांग की थी, लगता है 1200-1500 वेंटिलेटर की हमने मांग की थी लगभग, शायद उसमें से अभी तक एक भी वेंटिलेटर नहीं आया है। वैसे भी हम लोगों ने जरूरत जो भी स्वास्थ्य सामग्री है वो हमने क्वांटिटी के रूप में भी कम ही मांगा है, क्योंकि हम जानते हैं पूरे देश की स्थिति एक जैसी है, सभी देश सभी राज्यों को सामान की आवश्यकता पड़ रही है। हमने अपनी रिक्वायरमेंट भी कम रखी है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के आधार पर भी हमें बहुत थोड़ा कम मिला है।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार से कई इसेंशियल चीजों की मेडिकल किट के साथ मांग की गई थी, लेकिन उनमें से भी बहुत ही कम मात्रा में काफी चीजें उपलब्ध हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा है कि वो लोग लगातार राज्य में कोरोना को रोकने के लिए, उसे फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज रांची।